भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी धर्मानंद बाबा का डीएनए टेस्ट कराया गया है। महिला थानाध्यक्ष किरण सोनी ने बताया कि आरोपी बाबा धर्मानंद की गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को उसे 3 दिन के रिमांड पर लाया गया था। रविवार को टेस्ट होने के बाद आरोपी को दोबारा न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बता दें कि 24 मई को मधुसूदनपुर स्थित एक आश्रम में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसके बाद बच्ची की मां ने महिला थाने में आरोपी बाबा के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया था। वहीं घटना के बाद महिला थाना अध्यक्ष किरण सोनी ने आरोपी बाबा के ठिकानों पर छापेमारी कर आरोपी बाबा धर्मानंद को मुंगेर के असरगंज से 25 मई को गिरफ्तार कर लिया था। महिला थाना अध्यक्ष ने बताया कि कोर्ट से 3 दिन के रिमांड पर लाकर आरोपी का डीएनए टेस्ट करवाने के बाद उसे वापस जेल भेज दिया गया है। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत आदमपुर चौक के समीप रविवार की सुबह एक 4 मंजिला घर में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। हालांकि हादसे के समय घर में कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने धुआं और आग की लपटें देखकर सबसे पहले मकान मालिक को सूचित किया, जिसके बाद घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस और डायल 112 को दी। वहीं सूचना मिलते ही जोगसर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। घटना के वक्त आग की लपटें इतनी तेज थी कि दमकल की 3 गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन हादसे में घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। किरायेदार मोनू वर्मा ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण ही यह हादसा हुआ है। हादसे के समय वे घर में नहीं थे। वहीं जोगसर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यहां पर शॉर्ट सर्किट से एक पारिवारिक आवास से उसमें आग लग गई थी। हम लोगों को सूचना मिला, सूचना मिलते ही 2 छोटी और 1 बड़ी गाड़ी लेकर के आए, क्योंकि संकीर्ण रास्ता होने के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। खैर, और यहाँ के लोगों का भी अच्छा सहयोग रहा, जिस कारण से आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया। सर, नुकसान सामान वगैरह की कितनी भी होगी? घरेलू सामान वामान नुकसान हुआ है और उसका आकलन हम लोग कर रहे हैं और उनसे भी पूछ रहे हैं, जो होगा फिर बृहद विस्तृत रिपोर्ट बता दिया जाएगा। कितने देर में आग पर काबू पाया गया? सर, आग पर काबू पाने में लगभग 1 घंटा लगा। बांका अमरपुर थाना क्षेत्र के डुमरामा गांव वार्ड नंबर 2 में संदिग्ध अवस्था में एक किशोर का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान डुमरामा गांव निवासी सुमन तांती के 14 वर्षीय पुत्र छंगुरी कुमार के रूप में हुई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिजन उसे रेफरल अस्पताल अमरपुर ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता ने बताया कि वे काम पर गए हुए थे और घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत घर पहुंचे, जिसके बाद उसे आनन फानन में अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता ने बताया कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। वहीं लड़के के गले में फंदे का निशान दिख रहा है। वहीं इस हादसे से परिवार वालों में कोहराम मच गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? सुमन चटर्जी। सुमन तांती। बच्चे का नाम? छंगरी कुमार। चलो कुमार, आप काम करते हैं? हम काम करते हैं। कैसा क्या सब हुआ हम पता नहीं है। पानी उनी डूबा है? पानी डूबा है। कहाँ घर?